उत्तर प्रदेश में कोरोना हाहाकार के चलते कम हुई ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची हुई है। सरकार द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने के प्रयास जारी हैं, तो वहीं अब समाजसेवी संस्थाओं ने भी बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया है, जिसका ताजा नजारा कानपुर जिले में देखने को मिला, जहां गुरु गोविंद सिंह सभा द्वारा अनोखा तरीका निकालते हुए ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की, जिसके चलते गुमटी गुरुद्वारे चौराहे पर एक टेंट के छत के नीचे कोविड आइसोलेटेड रूम बनाया गया है, जिसमें मरीजों के आराम और ऑक्सीजन दिए जाने वाले बेड के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही मरीजों को गर्मी से राहत के लिए कूलर पंखे का इंतजाम किया गया है। सभा द्वारा किए गए इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मरीजों को ऑक्सीजन दिए जाने की व्यवस्था कराना है, जिसके तहत अभियान के पहले दिन 2 दर्जन से अधिक मरीजों को ऑक्सीजन दी गई। इस दौरान डॉक्टरों की टीम भी उपस्थित रही। आपको बता दें कि कानपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही है। आलम यह है कि कुछ रुपयों में मिलने वाली ऑक्सीजन का अब 1 लाख रुपए में ब्लैकमेलिंग भी की जा रही है, जिसको लेकर अब प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अम्बरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।